Now it's explanation of liquid doses form part 2. I was talking about various homogeneous monophasic doses form, and syrup is one of them. Now what is the definition of syrup? Syrups are sweet, viscous, concentrated solution of sucrose in purified water. Kya hai syrup? They are sweet, viscous, sweet in taste, and consistency is highly viscous. The concentrated solution of sucrose in purified water. Sugar may be sucrose ka solution hai syrup. The content of IP syrup, simple syrup IP, and the content of simple syrup USP varies according to this concentration. Simple syrup IP contains 66.6% weight by weight sucrose in purified water. सिंपल सिरप आईपी और सिंपल सिरप यूएसपी में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि जो परसेंटेज है सिंपल सिरप आईपी का वो वेट बाय वेट में मेजर होता है एंड सिंपल सिरप यूएसपी में जो सुक्रोज का परसेंटेज है वो वेट बाय वॉल्यूम में मेजर हो रहा है एंड इन सिंपल सिरप आईपी द कंटेंट ऑफ सुक्रोज इज 66.67% वेट बाय वेट एंड सिंपल सिरप यूएसपी द कंटेंट ऑफ सुक्रोज इज 85% वेट बाय वॉल्यूम। सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। I'll explain further. Method of preparation में भी थोड़ा सा difference है कि कैसे आप method बनाने का जो तरीका है दोनों का। यहाँ पे आप इसको hydrolyze कहीं न कहीं करते हैं और simple syrup IP में hot dissolution है, properly hot process है, थोड़ा सा गर्म करके dissolve करना है, वो simple syrup IP का process होगा। और सिंपल सिरप यूएसपी में कंटिन्यूअसली परकोलेशन टाइप हम कंटिन्यूअसली जो सॉल्वेंट है जैसे वाटर प्यूरिफाइड वाटर उसको सुक्रोज सॉल्यूशन में सुक्रोज में भेजते रहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है परकोलेशन, उससे आपका सिंपल सिरप यूएसपी बनता है। देन व्हाट इज मेडिकेटेड सिरप? कोई भी सिरप, सिंपल सिरप आईपी या सिंपल सिरप यूएसपी, अगर उसमें हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को भी डिसॉल्व कर दें देन ऑब्वियसली इट इज मेडिकेटेड सिरप। और अगर उसी में कोई और फ्लेवरिंग एजेंट लाइक वनीला, ऑरेंज या किसी और मिंट, कोई एक और स्पेशल फ्लेवर ऐड कर देते हैं देन इट इज फ्लेवर्ड सिरप। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिरप्स। द फर्स्ट मेथड इज हॉट प्रोसेस। एज नेम इंडिकेट्स वी अप्लाई हीट। हॉट प्रोसेस में हम डिसॉल्व करने के लिए हीट को अप्लाई करते हैं और हॉट प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज नीदर वोलेटाइल नॉर हीट लेबाइल। अगर वोलेटाइल सब्सटेंस है तो भी हीट अप्लाई करने पर वो उड़ जाएगा, वोलेटिलाइज हो जाएगा। हीट लेबाइल सब्सटेंस है तो भी वो हीट की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हॉट प्रोसेस हम तभी यूज करते हैं जब हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट ना तो वोलेटाइल हो ना ही हीट सेंसिटिव हो। The process is here. Weigh exact quantity of sucrose. Then add purified water to it. If you are talking about the simple syrup IP, the weight will be weigh percent weight by weight. दोनों का ही weight हम देखते हैं। Sucrose को weigh करना accurate amount को add purified water. Heat on water bath. Temperature of whole water whole solution should be less than 70 degree centigrade to obtain solution. Filter the product and make up the volume with purified water. हमें product को filter करना है और पूरा का पूरा जो volume है वो purified water से make up करना है. That if we are preparing simple syrup IP through hot process, the percentage here will be 66.67% weight by weight. तो process क्या होगा? सबसे पहले हम शुक्रोस को weigh करेंगे. कितना weigh करेंगे? 66.67 ग्राम. 66.67 ग्राम सुक्रोज को वेग करके उसमें सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करते हैं। वाटर की डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम और वेट दोनों ही बराबर आएगा। वाटर को सफिशियंट क्वांटिटी में ऐड करना है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेस देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 70 से, उस पर हम हीट करके सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। एक बार सोल्यूशन बन जाएगा तो उसे फिल्टर करना है और फाइनल वॉल्यूम मेकअप करना है। द सेकेंड प्रोसेस इज परकोलेशन प्रोसेस। परकोलेटर, इस परकोलेशन प्रोसेस में परकोलेटर यूज होता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। सुक्रोज इज प्लेस्ड इन परकोलेटर। एक परकोलेटर है, कॉनिकल शेप का होता है ये परकोलेटर। उस परकोलेटर में हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी, वेट क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज को प्लेस किया। जैसे सिंपल सिरप यूएसपी की बात करें तो 85% आपने सुक्रोज को परकोलेटर में प्लेस कर दिया। वाटर इज पास थ्रू सुक्रोज,
और उसी सुक्रोज से कंटिन्यूअसली वाटर को हम पास करते हैं। नेक ऑफ द परकोलेटर इज पैक्ड विद कॉटन। परकोलेटर की नेक को हमने कॉटन से पैक कर दिया है। आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन फाइनल वॉल्यूम वॉज मेड सफिशियंट विद प्योरिफाइड वाटर। करना क्या है इसमें, परकोलेटर में हमने सुक्रोज को प्लेस किया, नेक को कॉटन से पैक किया, वाटर को पास करते हैं। सपोज पूरा डिजोल्व नहीं हुआ है सुक्रोज, तो उसी वाटर को रीसर्कुलेट कर देंगे, उसी वाटर को हम दोबारा उसमें पास करेंगे जब तक कि कंप्लीट डिसोल्यूशन ना मिले। एक बार कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा सुक्रोज में, आप वाटर में, प्योरीफाइड वाटर में सुक्रोज, देन वी कैन मेक अप द फाइनल वॉल्यूम विद प्योरीफाइड वाटर। दिस इज परकोलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज एजिटेशन विदाउट हीट। एजिटेशन विदाउट हीट एज नेम सेज जस्ट स्टर इट। जैसे नॉर्मली हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज एंड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, प्योरीफाइड वाटर, जस्ट डिजॉल्व इट बाई एजिटेशन विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ हीट, विदाउट यूजिंग एनी परकोलेटर। हम इसको कंटिन्यूअसली डिजोल्यूशन प्रोसेस एजिटेट करके, ग्लास अगर लैब में कर रहे हो तो ग्लास राड यूज करके, या कहीं और कर रहे हो या लार्ज स्केल पे चल रहा है तो प्रोपेलर्स एंड ऑल हमारे पास रहते हैं, बड़े बड़े मशीन्स रहती हैं, उसमें हमने एजिटेट करके सुक्रोज को स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया है। फाइनल डिजोल्यूशन अचीव होने के बाद वी आर गोइंग टू मेक फाइनल वॉल्यूम विद प्योरीफाइड वाटर। One important question which is normally asked by various competitive examinations is it required to use preservative in syrups? The answer is no. Sucrose syrup are highly concentrated preparation and no preservative is required. They are self-preservative. Actually, when any microbe, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही सिरप के सॉल्यूशन के सरफेस, सिरप के सरफेस पे अटैच भी होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी बैक्टीरिया, एनी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही सिरप पे अटैच भी होता है, सुक्रोज है ऑब्वियसली, इट हैज अ एनर्जी सोर्स, बट व्हाट विल हैपन, इट्स एक्स ऑस्मोसिस। जो इनर कंटेंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो लेस विस्कस है, लेस ऑस्मोटिक है, हाइपो ऑस्मोटिक है एज कंपेयर टू सिरप। सिरप आपका हाईली विस्कस है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और हाइपर ऑस्मोटिक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि मूवमेंट होता है लोअर साइड से हायर साइड की तरफ, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो अगर कोई कंटेंट निकलेगा भी तो यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लीच आउट होगा, वो कंटेंट, उनका सेलुलर कंटेंट बाहर निकल के आएगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फर्दर। सो एनी प्रिजर्वेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रिपरेशन। Here one diagram is showing to you, it's Himalaya syrup, Tulsi syrup of Himalaya, which is available in the market. The next preparation is elixirs. Let's see the definition of elixir. Elixirs are defined as clear, aromatic, sweet, hydroalcoholic liquids intended for oral use. Elixirs क्या है? Clear. Clear मतलब homogeneous preparation है. Aroma, इसमें aroma present है, कहीं ना कहीं aromatic water भी present है, तभी आपका जो aroma देने में capable है. Aroma means एक aromatic smell. Sweet, obviously they are also sweet in nature and they are hydroalcoholic. There is one question, what is difference between syrup and elixir when both are sweet and homogeneous? Answer is here, syrup में alcohol नहीं है, elixir में alcohol present है. Secondly, जो सुक्रोज की क्वांटिटी है सिरप में वो बहुत कम होती है, आपका जो सॉरी एलिक्सर्स में सुक्रोज की क्वांटिटी जो एलिक्सर्स में है वो कम होती है। आपका सिरप हाईली विस्कस, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन है, एलिक्सर क्लियर है, लेस विस्कस एज कम्पेयर टू सिरप्स, और इसमें सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत कम है, ग्लिसरीन पड़ा होता है जिससे स्वीट टेस्ट आता है, लेस अमाउंट ऑफ एनी काइंड ऑफ सिरप कैन बी एडेड। सिरप को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं, सम वॉल्यूम सम रेशियो ऑफ सिरप इज एडेड और वेरी लेस अमाउंट ऑफ सुक्रोज इज एडेड हियर। दिस व्हाट इज द डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अल्कोहल, सेकंड डिफरेंस लेस क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट, थर्ड इट हैज अरोमा। तो ये जो डिफरेंस है एलिक्सर्स में और सिरप में है। अगेन द टू टाइप्स आर नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। तो नॉन मेडिकेटेड में भी फ्लेवर्ड, जस्ट फ्लेवरिंग एजेंट की तरह अगर हम यूज कर रहे हैं, दे आर फ्लेवर्ड एरोमेटिक एलिक्सर्स, और मेडिकेटेड अगर उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम डिसॉल्व कर दें तो वो आपका मेडिकेटेड एलिक्सर है।
एग्जाम्पल हमने एंटीबायोटिक डिजोल्व कर लिया या एंटीहिस्टामिनिक को डिजोल्व कर दें तो दे आर मेडिकेटेड एलिक्सर्स. द फॉर्मूला इज हियर लेमन ऑयल 0.05 मिलीलीटर्स, सिरप 375 मिलीलीटर्स, इथेनॉल यू कैन सी अल्कोहल इज हियर 150 मिलीलीटर्स एंड टाइल 30 ग्राम, प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशियंट टू मेक अप द वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर्स. ये एक सिंपल जनरल फॉर्मूला है एलिक्सिर बनाने का. हाउ विल यू प्रिपेयर? सिंपल सॉल्यूशन है ये. एलिक्सिर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिसोल्यूशन विद एजिटेशन और बाय मिक्सिंग टू और मोर लिक्विड्स. सिंपली जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना उनको डिसॉल्व करना है विद एजिटेशन, एजिटेट करते हुए, हिलाते हुए विद स्पैचुला और विद एनी सुटेबल इंस्ट्रूमेंट. वी आर गोइंग टू डिसॉल्व ऑल द इंग्रेडिएंट्स. अल्कोहलिक स्ट्रेंथ इज मेंटेन्ड बाय एडिंग द एक्वस सॉल्यूशन टू अल्कोहलिक सॉल्यूशन. जो अल्कोहल है, जो एक्वस प्रिपरेशन है हमारी, सिरप में हमने डिसॉल्व किया, कुछ वाटर भी लिया, उसमें अल्कोहल को ऐड कर देते हैं. टाल्क ऐड करने का क्या पर्पस है? टाल्क एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है. टाल्क एडसॉर्बेंट है, अच्छा एडसॉर्बेंट है. और वो एक्स्ट्रा ऑयल अगर प्रेजेंट है, जैसे एरोमा डाला है हमने, एसेंस डाला है, एरोमेटिक ऑयल डाला होगा, जैसे यूकेलिप्टस ऑयल ही डाला है या फिर मिंट ऑयल डाला है फ्लेवर के लिए, वनीला ऑयल डाला है वनीला फ्लेवर के लिए, तो ऑब्वियसली वो टाल्क उस एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है. फाइनल वॉल्यूम को प्यूरिफाइड वाटर से मेंटेन करना है. प्रिपरेशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम एंड देन फिल्टर्ड. द इम्पॉर्टेंट लेवल हियर इज शेक वेल बिफोर यूज. ऑल्दो एलिक्सर्स आर होमोजेनियस मिक्सचर, बट अगेन बिकॉज अल्कोहल एंड सम डेंसिटी डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड हियर, सो शेक वेल बिफोर यूज इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. Now, liniment. Liniment are also homogeneous liquid preparations. Liniment bhi ek liquidosis form ka example hai and it is example of a homogeneous liquidosis form. Liniment kya hai? Ye liquid ya semi-solid preparation hai जिसको हम टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं. लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो टॉपिकली या स्किन के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है. लिनिमेंट को हम स्किन के ऊपर फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं. लोशन और लिनिमेंट में ये जो डिफरेंस है उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है. लिनिमेंट को हमेशा हम विद फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, लोशन को विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है. अब आपको एक लिनिमेंट का एग्जाम्पल देते हैं जिससे क्लियरली समझ में आएगा. द एग्जाम्पल इज आयोडेक्स, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है वो, और उसको हम स्किन के ऊपर कभी हमें चोट लगती है, नॉन ब्रोकन चोट, नॉन ब्रोकन वाउंड. अगर हमारी चोट नॉन ब्रोकन है, कट्स नहीं है, इंटरनल आपका जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो ओपन नहीं है, तो हम लिनिमेंट को अप्लाई करते हैं. एक नॉर्मल स्प्रेन वगैरह में हम लिनिमेंट अप्लाई करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रूबिफेशिएंट एंड काउंटर इरिटेंट इफेक्ट. लिनिमेंट है क्या? लिनिमेंट में भी अल्कोहलिक और ऑयली और इमल्शन प्रिपरेशन. ये अल्कोहल भी कंटेन कर सकता है. नॉर्मली ये अल्कोहल का क्या यूज है? अल्कोहल एक तरह से परमिएशन एनहेंसर का काम करता है. अल्कोहल स्किन की आउटर मेम्ब्रेन को थोड़ा डिसरप्ट करता है जिससे मेडिकामेंट इजली परमिएट करे, क्रॉस करे इंटरनल लेयर्स ऑफ स्किन में. तो अल्कोहल का क्या काम है? इट एक्ट्स एज अ परमिएशन एनहेंसर और इट मे बी अ ऑयली सॉल्यूशन आल्सो और एन इमल्शन आल्सो. तो एलिमेंट तीनों कैटेगरी में है और अल्कोहल थोड़ी सी क्वांटिटी में डालते ही है बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट परमिएशन एनहेंसर्स फॉर एलिमेंट. लिनिमेंट काम कैसे कर रहा है? इट इंक्रीजेस काउंटर इरिटेंट इफेक्ट. अल्कोहल भी काउंटर इरिटेंट है और जो उसमें मेडिकामेंट प्रेजेंट है वो भी काउंटर इरिटेंट का काम करता है. व्हाट इज काउंटर इरिटेंट इफेक्ट? सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन टू क्योर डीप इन्फ्लेमेशन. चलिए काउंटर इरिटेंट में क्या होता है? सपोज वी आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ पेन, हमें पेन हो रहा है, हमने उसी एरिया पे लिनिमेंट को अप्लाई कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? लिनिमेंट को अप्लाई करते ही एक इरिटेशन और वार्म्थ फीलिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है उस एरिया में. उस जैसे बाम लगाते हैं हम लोग, तो एक इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से हम ओरिजिनल पेन कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट काउंटर इरिटेंट एंड इट हैज अ रूबिफेशिएंट एक्शन. रूबिफेशिएंट एक्शन मतलब रेडनेस आ जाएगी, अप्लाइड एरिया में रेडनेस आ जाती है, तो ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को. ब्लड फ्लो बढ़ जाने के कारण अप्लाइड एरिया में रेडनेस फील होता है. लिनिमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन. अगर स्किन वुंडेड है और इतनी वुंडेड है कि उसमें आपकी कैपिलरीज ओपन है, ब्रोकन स्किन है, उसमें लिनिमेंट को हम कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं. दिस इज फॉर्मूला ऑफ टर्पेंटाइन लिनिमेंट.
the formula is here in front of you. Soft soap 9 grams, camphor 9 grams, turpentine oil 65 ml and purified water quantity sufficient to make up the volume 100 ml. जो method of preparation है liniment को बनाने के लिए वो simple dissolution या mixing है. हम सिंपली उसको डिसॉल्व या मिक्स कर सकते हैं. हाँ, अगर इमल्शन है, लिनिमेंट का जो प्रिपरेशन है वो इमल्शन है, तो देन इट इज मेड बाय इमल्सिफिकेशन. एंड ऑब्वियसली इमल्शन काइंड ऑफ लिनिमेंट इज हेट्रोजीनियस, वो फिर होमोजीनियस कैटेगरी में नहीं आएगा. बट अगर सिंपल सॉल्यूशन के फॉर्म में हम बना रहे हैं, जैसे सिंपल डिसॉल्यूशन से बना रहे हैं, तब लिनिमेंट हमारा होमोजीनियस प्रिपरेशन है. हाउ इट शुड बी पैक्ड? इट शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूटेड बॉटल. कलर्ड फ्लूटेड वाटर का में डिस्पेंस करते हैं. एंड लेबल इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. वन अदर लेबल इज नॉट टू बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन. एक्सटर्नल यूज के लिए ही लिनिमेंट यूज होता है और ब्रोकन स्किन पर इसको अप्लाई नहीं करते हैं. ये द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू इज वन लिनिमेंट एग्जाम्पल, जो यहाँ पे पेन में, ज्वाइंट पेन में यूज कर रहे हैं. सॉफ्ट रुमालिया फ्रॉम हिमालय कंपनी, ये एग्जाम्पल है लिनिमेंट का. यू विल इजली गेट दिस ऑन मार्केट. सेकेंड एग्जाम्पल आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड टोल्ड यू अबाउट आयोडेक्स और मूव, ये भी लिनिमेंट ही है. मूव ऑल्सो कंटेन सम एनाल्जेसिक. नेक्स्ट लिक्विडोजेस फॉर्म इज लोशन. लोशन आर प्रिपरेशंस मीड फॉर एक्सटर्नल यूज विदाउट फ्रिक्शन. लोशन भी एक्सटर्नली स्किन के ऊपर लगाया जाता है बट विदाउट फ्रिक्शन. नॉर्मली हम इसको अप्लाई कर देते हैं, कोई रबिंग या फ्रिक्शन नहीं देते. दे आर अप्लाइड डायरेक्ट टू स्किन. लोशंस आर नॉट अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन एज दे मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन. तो ब्रोकन स्किन पे ना तो लोशन ही लगाते हैं ना लिनिमेंट लगाते हैं. बट जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, लोशन विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई होता है और लिनिमेंट विद फ्रिक्शन अप्लाई होता है. सेकेंडली, लोशन का काम कुछ और है. ये सूदिंग इफेक्ट देता है, इमोलियंट एक्शन देता है, और लिनिमेंट आर नॉर्मली यूज फॉर काउंटर इरिटेंट एंड रूबीफेसेंट एक्शन. तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया लोशन और लिनिमेंट में. दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर है. हाँ, अगर हम इमल्शन फॉर्म में बना रहे हैं, वेदर लोशन ही प्रिपेयर करें या लिनिमेंट, देन इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अदरवाइज सिंपल सोल्यूशन या डिजोल्यूशन मेथड से बना रहे हैं, देन बोथ आर होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड प्रिपरेशन, वेदर फॉर कॉस्मेटिक पर्पज और फॉर एनी मेडिसिनल पर्पज. The formula is written here in front of you. It's calamine 15 gram. Calamine lotion का formula है ये, जो protective purpose और sunscreen की तरह थोड़ा बहुत use होता है. Calamine 15 gram, zinc oxide 5 gram, bentonite 3 gram, sodium citrate 0.5 gram, glycerin 5 ml, liquid phenol 0.5 ml and rose water quantity sufficient to 100 ml. Now, what is the method of preparation of lotion? Lotions are prepared by triturating the ingredient to smooth paste. Triturate करना है सारे ingredients को, जब तक कि smooth paste ना बन जाए, then remaining liquid को add करके इसकी consistency को और volume को maintain कर लेते हैं. All the ingredients are triturated to fine particle and finally we are making smooth paste. Smooth paste एक बार बन जाएगा तो remaining portion को भी add करके हम liquid preparation prepare करते हैं. What is the storage? Should be stored in a well closed container. Lotion should always be stored in a well closed container. अगर cosmetic purpose से आपने lotion देखा होगा तो बहुत सारे plastic containers आते हैं with important labeling information. उसमें lotion को store करके रखते हैं. The important label for lotion is for external use only and it should not be applied on broken skin. It's all about homogeneous liquidosis form. Thank you very much for your patience and listening this lecture. If you have any query, you can contact with the number provided here or you can directly reach us via this email id pharmacat.india@gmail.com.